मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी और ब्रेड का बिल्कुल ही नए तरीके से क्रिस्पी पकौड़ा। बहुत ही आसान तरीके से बनता है फ्रेंड्स, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं इस रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़े से भिंडी बचा हुआ था तो उसे मैंने अच्छे से धो लिया है, ये देखिए। तो भिंडी को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेती हूँ, इसे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का। तो इसे मैं अभी साइड में रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है, मैदे में थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और यहाँ पर मिक्स किया हुआ जीरा गोलकी का पाउडर डाला है। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर, ये देखिए बिल्कुल मैंने थोड़ा सा डाला है, ये तीखी वाली नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ कलर के लिए मैंने डाला है। आधा चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो कूटी हुई लाल मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी को डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिला दिया है। तो घोल को फ्रेंड्स गाढ़ा नहीं रखना है, इसे बिल्कुल ही पतला घोल रेडी करना है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह का घोल तैयार करना है। तो अब मैं इसमें भिंडी को डाल देती हूँ, ये देखिए। अगर फ्रेंड्स आपके पास मैदा नहीं है तो आप घोल को कॉर्नफ्लोर या तो आप चावल के आटे से भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारे भिंडी को मैंने डाल दिया है, ये देखिए इसी साइड में अभी मैंने रख दिया है। और यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिया है, तब मैं भिंडी को ब्रेड क्रम्स में डाल देती हूँ और अच्छे से इसे कोट कर लेती हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स ब्रेड क्रम्स को भिंडी के ऊपर से इस तरह से डालते जाऊँगी और इस तरह से ब्रेड क्रम्स में मिलाते जाऊँगी। तो ये देखिए भिंडी में अच्छे से कोट हो गया है, तो तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं एक एक करके डाल देती हूँ, ये देखिए एक एक करके। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर गरम तेल में कोट किया हुआ भिंडी को डाल दिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर गैस को भी आप कम ही रखिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं रखिएगा। अगर गैस को ज़्यादा रखिएगा तो भिंडी है जो अंदर तक कच्ची ही रह जाएगी, ये पकेगी नहीं। ऊपर से तो ये आपको क्रिस्पी लगेगा लेकिन नीचे में कच्चा ही रह जाएगा। तो भिंडी को मैंने दूसरे साइड पलट दिया है और इसी तरह कम गैस पर से उलट पलट कर मैं गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर भिंडी है जो दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो गई है, ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही देखने में सुंदर लग रही है, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। मैं खुद जब भिंडी बच जाता है घर में तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ पकौड़े, और सच बताओ तो फ्रेंड्स बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। तो जब भी आपके भी घर में भिंडी बच जाए तो आप ब्रेड और भिंडी का इस तरह से पकौड़े बना कर देखिए। तो यहाँ पर जो बचा हुआ था भिंडी उसे भी मैंने सेम तरीक़े से फ्राई कर लिया है। पर फ्रेंड्स पकौड़े है जो बिल्कुल ही रेडी हो गया है, और यकीन माने फ्रेंड्स बहुत ही खाने में ये क्रिस्पी पकौड़े हैं। तो इसे चाहे तो आप अपने मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ इसे आप इंजॉय कीजिए। यहाँ पर तो मैंने सर्व किया है टमाटर सॉस के साथ, मुझे टमाटर सॉस के साथ ये बहुत ही पसंद है। तो मैं फ्रेंड्स टमाटर सॉस के साथ ही इंजॉय करूँगी। चाहे तो फ्रेंड्स इसे अपने मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ इसे इंजॉय कीजिए, या तो मेरे तरह ही सॉस के साथ एक बार ज़रूर से खा कर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो चलिए मैं भिंडी का एक दूसरा ही रेसिपी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो बच गया था घोल उसी में मैंने आधा कटोरी बेसन डाला है और अच्छे से इसे मिला दिया है, ये देखिए। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है और इसे भी अच्छे से मिला दिया है। और जो बच गया था तेल उसी में मैं मिक्स मिश्रण को भी डाल देती हूँ और अच्छे से चम्मच से इसे फैला देती हूँ। तो यहाँ पर कम गैस पर इसे 5 से 6 मिनट तक पकने देती हूँ। तो यहाँ पर ढक्कन से ढक दिया है, तो यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गया है और ऊपर से ये देखिए अच्छे से पक गया था। तो इसे दूसरे साइड मैंने पलट दिया है और दूसरे साइड भी इसे 5 से 6 मिनट तक पकने देती हूँ। तो दोनों साइड फ्रेंड्स अच्छे से ये पक गया है, ये देखिए। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इसे फ्रेंड्स मैं कट करके आपको दिखाती हूँ।
तो भिंडी का दोनों ही रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगा फ्रेंड्स। यकीन माने आपने आज तक भिंडी की ऐसे पकौड़े नहीं बनाए होंगे ना खाए होंगे। सभी से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को एक बार तो घर पर जरूर से ट्राई कीजिएगा। आपको अगर पसंद आए तो भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ने में सपोर्ट भी कीजिएगा। तो फिर मैं मिलूँगी नई रेसिपी के साथ।